Assalamualaikum. Welcome to our food channel, Food Twist. आज हम बना रहे सरसों का साग. यहाँ पर मैंने एक बंच साग कर लिया है. तो अभी इसको वॉश करके कट करके दिखाते हैं. साग को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया. तो इसको 25 मिनट्स के लिए पकाएंगे प्रेशर कुकर में और 4 कप पानी डालेंगे. Five मिनट्स हो गए, साग बॉइल्ड हो गए. देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह बॉइल्ड हो गए. ये प्रेशर कुकर में इजी हो जाता है. तो अभी इसका पानी निकालते हैं. यहाँ पर पानी मैंने ड्राई कर लिया. तो बाकी जो एक्सेस पानी है ना उसको भी निकालेंगे. ऐसे दबा दबा के ना ऐसे ऐसे कर पानी निकाल दें. मैंने तो अभी इसका तड़का बनाते हैं. तड़के में यूज करिए 2 टेबलस्पून देसी घी. गैस ऑन कर दिया तो मैं हांडी में बना रही हूँ. तो अभी इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँ. लहसुन को अच्छी तरह भून लें. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून धनिया क्रश्ड, 1/2 टीस्पून जीरा. लहसुन मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया. अब इसमें टमाटर डालेंगे. तब तक पकाना जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं. टमाटर सॉफ्ट हो गए तो अभी इसमें मैंने मसाले डाल दिए. तो 1 मिनट के लिए इसको भूनने दें. एक मिनट हो गए तो अभी ये हरी मिर्च डालेंगे. और साग अभी साग डाल दिया. तो इसको पकाते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए. 2 मिनट इसको मैंने भून लिया तो साग बिल्कुल रेडी हो गया. तो अभी डिश ऐड करके तो आप सबको दिखाते हैं. सरसों का साग रेडी हो गया. तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली साथ. ओके, अल्लाह हाफिज.